हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों जॉब इंडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। RSEM SSB की तरफ से 2021 के लिए 882 पदों पर भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल ऑफिशियली अभी अभी यह नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दोस्तों यह वैकेंसी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए निकाली गई है। अगर आप लोग 12वीं पास हो तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या आपने BSc कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सरकारी नौकरी है, ऑल इंडिया भर्ती है। दूसरे स्टेट वाले UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, साथ ही ऑफिशियल सिलेबस, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरा वीडियो देखिए, जल्दी से जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। आप लोग जो हैं इस फॉर्म को 17 मार्च 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। A to Z सारी जानकारी बिल्कुल नोटिफिकेशन के द्वारा देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, 5/2/2021, 5 फरवरी, अभी अभी जो है यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती परीक्षा 2021, विज्ञापन संख्या 01/2021, RSEM SSB की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आज अभी आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दी गई है। कृषि पर्यवेक्षक के लिए 842 वैकेंसी, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में 40 वैकेंसी अलग अलग यहाँ पे रखी गई है। तो देखिए 842 वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र में है और 40 वैकेंसी अनुसूचित क्षेत्र में है, कुल पद 842 है। तो 882 वैकेंसी जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए है और 842 वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, साफ साफ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोग 16 फरवरी 2021 से कर सकते हैं, जो लिंक एक्टिवेट होगा 16 फरवरी को होगा। उससे पहले कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दिखा दें, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, जिसमें 217 वैकेंसी सामान्य में रखी गई है। तो सामान्य में टोटल 217 वैकेंसी है, जिसमें महिला के लिए 62 वैकेंसी और विधवा के लिए 24 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। सामान्य जनरल के लिए अलग अलग है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य में 94 वैकेंसी और सामान्य महिला अनुसूचित जाति के लिए 27 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 17 वैकेंसी सामान्य में है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 122 वैकेंसी सामान्य में, महिला के लिए 35 वैकेंसी, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 29 वैकेंसी, 9 वैकेंसी महिला के लिए है। तो अलग अलग यहाँ पे है, मेल फीमेल विधवा अलग अलग वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखी गई हैं। नीचे आप लोग देखिए तो आपको जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो कि अलग अलग है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और जो यहाँ पे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए अलग 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 वैकेंसियाँ हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में देखिए 40 वैकेंसी है, सामान्य के लिए बात की जाए तो सामान्य जनरल में तो 14 वैकेंसी और मेल के लिए फीमेल के लिए 5 वैकेंसी, अनुसूचित जाति में यहाँ पे 2 ही वैकेंसी है और महिला के लिए कोई वैकेंसी नहीं है अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित जनजाति में महिला के लिए 4 वैकेंसी और सामान्य के लिए 13 वैकेंसी है। तो ऐसे आप लोग जो हैं चेक कर सकते हैं। नीचे देखिए तो आप लोग जो हैं 16 फरवरी 2021 से ऑनलाइन कर सकते हैं। 16 फरवरी को लिंक एक्टिवेट होगा, और कब तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 17 मार्च, तो 16 फरवरी 2021 से लेकर 17 मार्च 2021 रात को 11:59 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट आप लोग देख सकते हैं 17 मार्च 2021 रखी गई है, तो 16 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप लोग 12वीं पास कर रखे हो और कृषि से कर रखे हो, याद रखिए अगर आपने जो है 12वीं पास कर रखा है एग्रीकल्चर से, कृषि से, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, या आपने BSc कर रखा है कृषि से तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। इसमें अगर आपने 12वीं पास कर रखा है एग्रीकल्चर से
तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बीएससी कर रखा है एग्रीकल्चर से तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए नीचे एज लिमिट दिया गया है, एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2021 को आपकी एज काउंट की जाएगी 18 से लेके 40 ईयर्स। इसमें ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और ओबी और एससी जो हैं एसटी हैं उनके लिए जो है टोटल 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो ओबीसी हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है 1 जनवरी 2021 को एज काउंट की जाएगी। ऑफिशियली सिलेबस नीचे दिया गया है, नीचे आप लोग जो है सिलेबस भी देख सकते हैं, और सिलेबस से आपका दिया गया है जिसमें परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम दिया गया है। इसमें बोला गया है कि समान हिंदी में 15 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो समान हिंदी जो कि भाग वन है इससे 15 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर का होगा, और भाग सेकेंड में राजस्थान का समान ज्ञान इतिहास एवं संस्कृति से 25 क्वेश्चन 75 नंबर का होगा। भाग थर्ड में सस्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, उद्यानिकी से 20 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, पशुपालन से 20 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन 300 नंबर का होगा। नीचे देखिए वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, और गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। राजस्थान में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो सेंटर होगा राजस्थान में होगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है। तो दोस्तों आपको जो है मैं बता दूं, 882 वैकेंसी है, टोटल 882 वैकेंसी रखी गई है। अब मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं तो पहले भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर RSMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सीधी भर्ती निकाली गई है, जो कि आपका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड अप्रैल में या मई में होने वाला है। आप लोग 17 मार्च 2021 तक फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोगों का जो लिंक एक्टिवेट होगा यह 16 फरवरी को होने वाला है, 16 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 17 मार्च तक। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 40 ईयर्स। इसमें दोस्तों OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। TSP एंड नॉन TSP एरिया के लिए वैकेंसी दे दी गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 842 वैकेंसी, अनुसूचित क्षेत्र में मात्र 40 वैकेंसी है। टोटल 882 वैकेंसी कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए रखी गई है। अगर आप लोग 12वीं पास हो एग्रीकल्चर से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या आपने BSc एग्रीकल्चर से कर रखा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकती हो। ऑफिशियली सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है नीचे आप लोग कमेंट कर दो। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जो है यहाँ पे जानकारी दे दी गई है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस चेक कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जनरल और OBC के लिए 450 रुपये, OBC NCL के लिए 350 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है, और करेक्शन चार्ज जो है 300 रुपये लगने वाला है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट की बात की जाए की गई है 1 जनवरी 2022 की गई है, बट यहाँ पे 1 जनवरी 2022 ही एज लिमिट काउंट की गई है। तो ऐसे में आप लोग इसे अच्छे से चेक कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।